बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम आपने कीपिंग इट रियल के ऊपर देखा था उष्णा सुहेल, पाकिस्तान की एक जानी मानी फीमेल टेनिस प्लेयर, और उनकी कहानी आपने सुनी किस तरह से उन्होंने अपने इस पूरे करियर में एक्सेल किया। आज जिनसे मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ वो भी पाकिस्तान की बेटी हैं, पाकिस्तान का प्राइड हैं, पाकिस्तान की हिम्मत हैं, और ना सिर्फ ये, उनकी जो कहानी है वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए, उन लड़कियों के लिए जिनको कहीं ना कहीं शायद ये लगता है कि उनके हालात या उनके आसपास की सपोर्ट ना होने की वजह से शायद वो जिंदगी में कुछ करने में उनको मुश्किलें देखनी पड़े। मैं बात कर रहा हूँ कुलसुम हजारा की। आज हम उनकी जबानी उनकी कहानी सुनेंगे। कुलसुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। कुलसुम, मुझे प्लीज बताइए कि आप हजारा कम्युनिटी से आप बिलोंग करती हैं, क्वेटा से ताल्लुक है, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है आप 10 साल से भी कम उम्र की थी जब आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। किस तरह से आपने अपने आप को उस माहौल में और ऐसे हालात के अंदर अपने आप को एज ए कराटे को सिलेक्ट किया, और किस तरह से आप अपने आप को आगे लेके चले? मैं अपनी मतलब लाइक अपनी कहानी बताऊं कि मेरी पैदाइश क्वेटा की है। मैं हजारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूं, और जब मैं 1.5-2 साल की थी मुझे सही तरह याद भी नहीं है। मेरी अम्मी की डेथ हो गई और उनको कैंसर थी। देन जब मैं 7 ईयर्स की हुई तब मेरे फादर की डेथ हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ। और जो मेरे बहनोई थे वो मेरे कराटे मास्टर थे, और वो इसी मतलब लाइक किसी लड़की को देखा था, उन्होंने अपना सेल्फ डिफेंस किया था। देन तो वो उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। फिर उन्होंने मुझे कहा था कुलसुम आप भी कराटे सीखो और कराटे लाइक क्लब जाना शुरू करो। देन वो मुझे क्लब ले जाते थे और मैं वहाँ जाकर ट्रेनिंग करती थी, और वहाँ पे बहुत सारे लड़के थे, मैं अकेली लड़की थी। जब उनके बीच ट्रेनिंग कर रही थी वो मुझे तंग भी करते थे कि लड़की होके कराटे खेलने आई है, और मैं कई दफ़ा मैंने छोड़ने की भी कोशिश की थी कि मैं अब कराटे नहीं खेलूंगी, लेकिन जो मेरे बहनोई थे वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे और मुझे कहते थे कि एक दिन यही लोग आप पे फख्र करेंगे, आप जस्ट अपनी ट्रेनिंग पे कॉन्सेंट्रेट करो। सो इसी तरह वक्त गुजरता गया, और उसके बाद जो सर्कमस्टांसिस थे क्वेटा में हजारा कम्युनिटी के साथ, देन वहाँ से हमने मूव किया कराची हमेशा के लिए, और अभी काफ़ी साल हो गए हमें कराची में शिफ्ट हुए हुए। देन मैंने कराची से कंटिन्यू किया, और मैंने कराची से सिंध की तरफ से मैंने कई टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट किए, सिंध को रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान लेवल पे जाके। जब मैंने फर्स्ट टाइम सिंध गेम्स में जाके पार्टिसिपेट किया तो मैंने 3 गोल्ड मेडल विन किया, और मेरे उस्ताद काफ़ी खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप अब ना सिर्फ सिंध लेवल पे आपने विन किया है तो आप इंटरनेशनल लेवल के लिए मेहनत कर लो। देन फिर मैंने इसी तरह ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा, और मैंने फर्स्ट टाइम सिंध की तरफ से खेल के ही नेशनल कराटे चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल विन किया। देन वहाँ से फिर मुझे वापडा ने ऑफर किया, देन मैं वापडा डिपार्टमेंट में चली गई। तब से मैं वापडा से खेल रही हूँ, और मैं अगर अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताऊँ तो मैं 17 ईयर्स से अपने वेट कैटेगरी में अनबीटन चैम्पियन हूँ, और साउथ एशियन लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल का हैट्रिक किया है, और रिसेंटली अभी मैंने साउथ एशियन गेम्स जो कि नेपाल में हुई थी मैंने उसमें एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल विन किया है। माशाल्लाह कुलसुम, आपने जो शुरू में बताया ना कि आप बहुत छोटी थी जब वालदा का इंतकाल हो गया, वो भी कैंसर से, और आप 10 साल से भी कम की थी जब वालिद साहब का भी इंतकाल हो गया, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप सबसे छोटी थी, तीन बहनें और एक भाई में, ऐसा ही है ना? जी जी जी, मैं अपने सर अपने घर में सबसे छोटी थी, बहनों में सबसे छोटी हूँ मैं, और जाहिर है जब आपकी लाइफ बचपना हो तो आपको इतना कोई फील नहीं होता। मुझे इवन अपनी अम्मी के बारे में कुछ भी याद नहीं है, वो किस तरह थी लाइक मुझे उनसे रिलेटेड कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने अब्बू से रिलेटेड थोड़ी बहुत याद है। सो बचपने में शायद इतनी फिक्र नहीं थी तो इतना पता नहीं चला जब उनका डेथ हुआ। जो असल में मेरे लाइफ में जो मैं जिसको कहूँ जो रियल इंसिडेंट हुआ, जब मेरे बहनोई हम लोग कराची जब मूव कर गए, जिस वजह से हम लोगों ने क्वेटा से कराची मूव किया, सो हमें नहीं पता था आगे जाके वो हमारे साथ होगा। देन मेरे बहनोई कराची में टारगेट हो गए,
तो रियल में उस दिन मुझे पता चला कि जब आपकी लाइफ में कोई जब आपके सरप्रस्त ना हो तो आप कैसे फील करते हो, स्पेशली जिस माशरे में हम रह रहे हैं, अगर आपके घर में कोई मर्द ना हो तो आप लोगों की कैसे कैसे बातों को फेस करते हो. सो जब उनको टारगेट किया उस दिन मुझे पता चला कि यस कुसुम, आज तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, आज तुम्हारे सरप्रस्त नहीं है. सो उस दिन मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई और काफ़ी मैं सैड थी. इवन मैं सारी रात हॉस्पिटल रही, वो इंसिडेंट आज तक जब मैं याद करती हूँ बहुत इमोशनल हो जाती हूँ. सो उनकी विश थी, जब मैंने नेशनल लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल विन किया था तो वो चाहते थे कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके गोल्ड मेडल विन करूँ. देन उनकी खुशी ही की वजह से और उनका एक विश पूरा करने के लिए मैं कराटे में बहुत सीरियस हुई. इवन बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उनके टारगेट होने के बाद हमें क्लब भी बंद करना पड़ा. मुझे अच्छी तरह याद है वो एक जुनून जो होता है कुछ अचीव करने का. मैं एक कमरे में अकेले ट्रेनिंग करती थी खुद, और जो मुझे टेक्निक्स वगैरह आते थे मैं कोशिश करती थी कि मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊँ और लाइक दिस. सो इसी तरह वो एक जज्बा था उनकी वजह से फिर मैंने कराटे को सीरियस लिया. अच्छा मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, मुझे पर्सनली खुद इतना शौक नहीं था कि मैं कराटे खेलूँ. सो जब उनकी विश की वजह से मैं इस फील्ड में आई और फिर भी मैं इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन जब वो असल में जो मैंने कराटे को सीरियस लेना शुरू किया और मैं लाइक बहुत ट्रेनिंग करती थी. सो उनके टारगेट होने के बाद, उनकी विश पूरी करने के बाद, और मुझे अच्छी तरह याद है जब मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया. मैं इंडिया में थी, इंडिया की लड़की को फाइनल में जब मैंने नॉकआउट किया, जब मैं रिंग से बाहर निकली मैं बहुत रो रही थी, मैं बहुत इमोशनल थी. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे उस्ताद मुझे देख रहे हैं, आज मैंने उनकी विश पूरी की. सो सबसे मेरी बड़ी अचीवमेंट से मैं कह लूँ जो मैंने फर्स्ट गोल्ड मेडल विन किया और वो भी इंडिया में, इंडिया को बीट करके. सो वो मेरे लिए बहुत यादगार लम्हा है और बहुत खुशी होती है जब भी वो लम्हा याद आता है मुझे. कुलसुम, बहुत हिम्मत जोड़नी पड़ती है, खास तौर पे जब आपकी बचपन से ही जो है ना वो सरपरस्त एक एक करके आपका साथ छोड़ते जाएं. और ख़ास तौर पे जैसे आपने कहा, क्योंकि आप बहुत छोटी थी तो आपको अम्मी और अब्बा की उतनी उस तरह की मेमोरीज नहीं है, लेकिन हाँ एक सरपरस्त की तरह आपके बहनोई ने आपको ट्रेन किया, वो आपके ट्रेनर भी थे, आपके बहनोई भी थे, एक फादरली फिगर. किस तरह मतलब ऐसे हालात के अंदर, इवन जब उनकी उनकी टारगेट किलिंग के बाद जो हालात आपको फेस करने पड़े, आपने तब भी हिम्मत नहीं हारी, और ये हिम्मत जोड़ी कैसे? क्योंकि ऐसे वक्त में लोग बहुत बहक जाते हैं, लोग गलत चले जाते हैं, लोगों में गुस्सा बढ़ जाता है, लोगों में कहीं ना कहीं जो है वो अपने उस एम से या अपनी जिंदगी के एक सक्सेस के रस्ते को छोड़ के वो कहीं ना कहीं गलत भी निकल जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. आपने कैसे अपने आप को जोड़े रखा, क्या कैसे हिम्मत जोड़ी आपने? मैं एक यहाँ पे बताना चाहूँ, हमारे माशरे की कुछ टैबूज है कि लाइक अगर लड़की रात को घर ना आए ट्रेनिंग, मतलब लाइक वो लड़की सही नहीं होती, वो कैरेक्टर लेस होती है. क्योंकि मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए मैं आउट ऑफ सिटी जाती थी, मैं आउट ऑफ सिटी में मुझे रहना पड़ता था. जैसे लाइक मैं कराची में रहती हूँ, मैं लाहौर जाके कैंप अटेंड करती थी, मैं इस्लामाबाद जाके कैंप अटेंड करती थी, तो मोस्टली टाइम एक महीने तक मैं घर नहीं होती थी, मैं ट्रेनिंग कैंप्स में होती थी. तो हमारे बहुत सारे ऐसे लाइक मेरे कम्युनिटी के ही लोग थे और मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, वो कहते थे कि आप कुलसुम को क्यों भेज रही हो, लड़की है ये, आप इसको घर से दूर भेजते हो, ये ठीक नहीं है. और उसके अलावा जब आप जिस सोसाइटी में आप रहते हो, लोगों की बातें सुन के समटाइम मैं बहुत अपसेट होती थी. कई दफ़ा मैंने सोचा कि मैं लाइक नहीं खेलूंगी आगे. लेकिन जो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे दोनों बहनें हैं वो काफ़ी सपोर्टिव थे, उन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया. और उस वक्त उनकी वजह से देन वो मुझे कहते थे कि लोगों की बातों को छोड़ो और आगे बढ़ो, अपने जो आपके गोल है उस पर जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो. फिर जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं वो सारा गुस्सा शायद आप कह ले मैं अपने गेम्स में ही निकाल देती थी, या मैं ट्रेनिंग करती थी. जो जितनी लाइक मैं टेंशन में होती थी उतनी मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करती थी. उस चीज़ को शायद मैंने ट्रेनिंग के साथ कवर कर लिया था. वैसे ये बहुत इंस्पिरेशनल बात है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो जिनको ये लगता है कि उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें हैं और इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकते. आप कुलसुम, आपने जो ये कहा ना कि आपका गुस्सा और आपका एंगर और डिप्रेशन और एंग्जाइटी जो आ जाती है इंसान के अंदर ऐसे हालात में, उसको आपने काउंटर किया अपनी ट्रेनिंग से. ये एक बात गलत नहीं होगी कहना कि आपने
अपने गुस्से को, अपने डिप्रेशन को और अपने हालात से जो लड़ाई लड़ी वो वाकई ही एक कराटे की किक और कराटे के पंचेस मार मार के आपने जिंदगी के अपने टारगेट्स को पूरा किया। आने वाले आजकल के टाइम में फीमेल्स को आगे आने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि कराटे में अगर वो आगे आना चाहती हैं, एज ए करियर आगे अपना परसू करना चाहती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए और किस तरह की उनको हिम्मत जोड़ के रखनी चाहिए? गेम्स में कुछ लड़कियां ऐसी है जैसे वो जब वो गेम खेलती है तो वो एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं रख पाती। सो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर जो थी वो हमेशा मुझे कहती थी कि अगर आप स्पोर्ट्स में आगे जा रही हो साथ साथ आपने अपनी एजुकेशन को भी कंटिन्यू रखना है। तो मुझे याद है जब मैं कैंप में होती थी साथ में एजुकेशन को लेके आगे चलना एंड देन जब ट्रेनिंग से आती थी देन मैं पढ़ाई करती थी। इस तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही फील्ड में मैंने MSc किया है हेल्थ एंड फिजिकल एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। सो मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो एक स्पोर्ट्स के अलावा स्पोर्ट्स को लेकर कुछ उनकी नेगेटिव सोच है कि इसमें लड़कियों को चोट लग जाती है या लड़कियां इसमें कोई एज अ प्रोफेशन आप आगे जाके आपकी कोई कैरियर नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बाबडा से कहती हूँ, मेरी गवर्नमेंट जॉब है। सो आप मुझे लेके एक एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं, लेके आगे बढ़ सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपने गोल सेट किया हो उस गोल को लेके आप आगे चले तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कुलसुम, आप वाकई ही पाकिस्तान की बेटी हैं और पिछले साल ही आपको आइकॉन ऑफ द नेशन का अवार्ड पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया गया। तो ये कहीं पे भी अपने दिल में नहीं रखिएगा कि कहीं ना कहीं आप पे आपके सरपरस्ती नहीं है। आज आप पाकिस्तान की बेटी हैं। पहले जिस तरह से आपने अपनी जिंदगी की पूरी तफसील बताई, ट्रूली ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी से कम नहीं है सब उन लोगों के लिए कि अगर आपकी जिंदगी में आपके गोल सेट हैं तो आप उनको अचीव कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस कम्युनिटी से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मर्द हैं या औरत हैं। कुलसुम, आपका बहुत शुक्रिया। आप वाकई ही पाकिस्तान के लिए एक प्राइड हैं और जैसा मैंने कहा आप पाकिस्तान की बेटी हैं और हमें एज अ पाकिस्तानी आप पे फख्र है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने कुलसुम की कहानी कुलसुम की जबानी सुनी और इससे कम अज कम और कुछ आपको समझ आए ना आए ये समझ लीजिए कि आपके जिंदगी के गोल्स जब तक आपके सामने क्लियर नहीं हैं आप उनको अचीव नहीं कर सकते और आपके हालात चाहे जैसे भी हों, चाहे जितने भी मुश्किलों का सामना कर जाएं, कुलसुम जैसे लोग अगर अपनी जिंदगी की उन अचीवमेंट्स को हाइएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच के अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, अपनी जिंदगी के गोल्स को सामने रखिए, कुलसुम जैसे लोगों से इंस्पिरेशन हासिल कीजिए और अपने गोल्स की तरफ गामजन रहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे बढ़ेगा और कुलसुम जैसे ही पर्सनालिटीज होंगी जो पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करेगी। मुझे हमजा अमीर को कीपिंग इट रियल से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।